you have to open the DLED portal, which is dled.nios.ac.in. You just have to click this study center corner. It is a login based system where the coordinator of the study center will enter through the different details which he or she has provided. Ye dekhiye jo second link hai, click to enter into the study center section menu. That means ab ye study center ka jo room hai uske andar mein enter karenge. Ab enter karne ke liye kya karna hai, aap isko click kijiye. Ye dekhiye aapse ye pooch raha hai user type, email, mobile number aur password. Yahan pe what I mean to say ki you have noted down your details. Till now if you are not registered with the DLED portal as a study center coordinator, so you have to first register. Without registration you can't enter into the system. To registration karne ke liye kya hai, aap yahan pe dekhiye ek button niche mein diya hua, ek link not yet registered, click here. To aur uski puri yahan pe jo prakriya hai wo bhi di hui hai niche mein instruction mein, kya kya study center coordinator ko karna hai. To ye dekhiye not yet registered here mein jab aap yahan pe isko click karenge to dekhiye aapse ye teen cheeze pooch raha hai, study center code, ईमेल और मोबाइल. अब हमने स्टडी सेंटर कोड लिख लिया है जैसे कि 4723500999 जो आपका स्टडी सेंटर कोड है, और मेरा जो ईमेल आपने जो प्रोवाइड किया है उस ईमेल को यहां पे देना है, और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है. और उसके बाद नीचे में एक देखेंगे तो आपको एक लिंक है गेट योर पासवर्ड, मतलब कि अब जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपके ईमेल में आपको एक पासवर्ड जाएगा जो कि सिस्टम आपको एक पासवर्ड भेजेगा. अगर आप इसको क्लिक करते हैं गेट योर पासवर्ड तो देखिए ऊपर में लिख कर आ रहा है पासवर्ड सेंट ऑन योर ईमेल. एक देखिए एक मेल आया हुआ है admnoti@nios.ac.in DLED पासवर्ड फॉर योर अकाउंट. आप इसको क्लिक कीजिए, आप देखिए कि ये योर DLED पासवर्ड इज, देखिए आपको एक DLED पासवर्ड आ गया. आप इसको नोट कर लीजिए या इसको अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, और फिर से वापस हम चले जाएंगे जहां पे आपसे लॉगिन करना है. तो लॉगिन पेज पे आप यूजर टाइप आप देंगे, आप चूंकि स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको यूजर टाइप में अपना स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर लेना है. उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है स्टडी सेंटर कोड, ये दोनों चीज़ें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपको डिटेल्स में दिख रहा है वही आपको देना है, और पासवर्ड जो भी आपको पासवर्ड ईमेल में मिला. पासवर्ड देने के बाद जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो ये देखिए आप स्टडी सेंटर के कॉर्नर में जा चुके हैं. अब अटेंडेंस अपलोड करने के लिए क्या करना है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो देखिए नीचे में एक लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग अटेंडेंस ऑफ PCP. क्या करना है आपको, देखिए पहला लाइन है काइंडली डाउनलोड द स्ट्रक्चर परफॉर्मा फॉर बोथ टीचर एंड रिसोर्स पर्सन. मतलब कि PCP के लिए जो टीचर ट्रेनी आ रहे हैं इस परफॉर्मा पे उनका हर दिन का हस्ताक्षर लेना है, सिग्नेचर यू हैव टू टेक इट, एज वेल एज द रिसोर्स पर्सन का भी सिग्नेचर लेना है जो कि ये PCP कंडक्ट करा रहे हैं. तो क्या करना है आपको, इसका एक स्ट्रक्चर आप इसको डाउनलोड कीजिए. अब अगर आप यहां से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपका अटेंडेंस का एक स्ट्रक्चर डाउनलोड हो गया. आप उसको अगर ओपन करेंगे तो ये देखिए यहां पर आ रहा है आपका स्टडी सेंटर कोड है, उसका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ये, और यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर है, नेम ऑफ द ट्रेनिंग. अब ये जो इनरोलमेंट नंबर और नेम ऑफ द ट्रेनिंग आप ये हाथ से मत भेजिए. व्हाट यू कैन डू, सिंस यू हैव गॉट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू कैन कॉपी फ्रॉम देयर एंड यू कैन पेस्ट इट, एंड एज इट इज रिटन टीचर ट्रेनी सिग्नेचर विद द डेट, सो ऑन द फर्स्ट डे यू टेक दैट सिग्नेचर ऑफ दैट टीचर हु हैज अटेंडेड द PCP, ऑन द सेकेंड डे अगेन लाइक दिस यू गो ऑन टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ दिस, make one consolidated file, okay, at the bottom of this you have to put the signature of the coordinator ka jo signature hoga aur seal wo dono you have to put it here, like that you have to take the attendance of the resource person from the day 1 to day 15. After taking this sheet what you can do, you can scan it or you can take the picture of that and make one PDF file. Again I am saying just make one PDF file. After making the PDF file you save it in your system, and if you see on the fourth number upload the attendance of the PCP. Upload attendance of the PCP, if you click here it is asking select the file for upload. That means the file which you have made it as the PDF file, that means the signature on the sheet of that paper where you have taken the signature of that teacher as well as the resource person, you make that file, click this,
and select one PDF file, means PDF file that you have created. और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए. देखिए यहाँ पे लिखकर आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली. नाउ रिसेंटली वी हैव इंक्लूडेड विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द TMA अवार्ड्स. नाउ ऑल द स्टडी सेंटर्स मस्ट हैव रिसीव्ड द TMA एंड दे मस्ट हैव इवेलुएटेड देयर TMA. सो ऑल दिस इवेलुएटेड TMA द मार्क्स हैज टू बी अपलोडेड ऑनलाइन. एंड for maximum marks for the TMA, that is 501, 502, 503, 504, 505 is 30, and maximum marks for SBA, that is school based activities, 511 subject code is 100 marks. A link will appear here for the WBA, that is the, now it is for the SBA and the TMA, okay. After that it will come for the WBA. So all the information is given in this corner itself.